अपने पूरे हेयर पे इस तरह से स्प्रे कर लेना है। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू वन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माय हेयर केयर रूटीन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हेयर केयर अपना कैसे करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीक में 2 times एटलीस्ट अपना हेयर वॉश करती हूँ। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उससे पहले मैं अपने हेयर को बहुत अच्छे से ऑयल मसाज देती हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का ये बायोप्रिंग राज हेयर ऑयल। दिस इज अ थेरापेटिक ऑयल फॉर फॉलिंग हेयर एंड दिस इज फॉर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ। सो अगर आपके बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा बाल पैचेस हैं, तो आप इस हेयर ऑयल को रेगुलरली यूज़ कीजिए और आपको कुछ ही टाइम में इसका फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाएगा और आपके जो बाल पैचेस हैं वहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ को स्टार्ट करने में ये हेल्प करेगा। से अच्छे से अपने कैल्प के मसाज कीजिए। मैंने अपना अच्छे से हेयर मसाज कर लिया है और इसे टाई करके बन बना लिया है। अब मैं इसे एटलीस्ट 1/2 hour या फिर अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो मैं 1 hour के लिए एटलीस्ट इसे अपने हेयर पे रहने दूंगी और उसके बाद मैं शैम्पू करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब ये हेयर ऑयल रखे हुए मुझे 1 hour हो गया है और अब मैं इसे अच्छे से शैम्पू करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल बायोटिक का ये अनियन ब्लैक सीड शैम्पू। दिस इज फॉर फ्रेश स्ट्रॉन्ग एंड शाइनिंग हेयर, और आजकल मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और इस शैम्पू से लिटरली मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो रहे हैं और जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी इससे रिड्यूस होता है और हेयर स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी फ्रेश एंड सॉफ्ट फील करते हैं। सो बस फ्रेंड्स, अब शैम्पू करने के बाद अपने हेयर को मैं ड्राई करने के लिए टॉवल में रैप कर लेती हूँ। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू वन सजेशन कि आप कभी भी हेयर वॉश करने के बाद अपने हेयर को यू रब मत कीजिए टॉवल के साथ, उसे बस टॉवल में यू ही रैप कर दीजिए एंड लेट इट ड्राई एज सच। हेयर का एक्स्ट्रा पानी ये टॉवल पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद मैं इस टॉवल को निकालती हूँ और इस टॉवल को निकालने के बाद मैं अपने हेयर को एयर ड्राई होने देती हूँ। आई डोंट यूज़ ब्लोअर ऑन द रेगुलर बेसिस, जब तक कि बहुत एमरजेंसी नहीं हो और बहुत जल्दी में कहीं जाना हो तभी मैं बस हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं हेयर ड्राई नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि हेयर ड्राई ज़्यादा यूज़ करने से ना हेयर डैमेज होने का भी डर रहता है। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेयर जो है वो मैंने टॉवल में रैप किए थे, हेयर जो है वो ड्राई हो गए हैं, पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं, इट्स लिटिल मॉइस्ट, बट इतना है कि इसमें से वाटर ड्रिपिंग जो है वो बंद हो गया है। अब इन हेयर को मैं एयर ड्राई ही होने दूंगी। हेयर जो है वो गीले सूखे हेयर हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई द हेयर सीरम। तो द थर्ड स्टेप मेरा होता है हेयर सीरम अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स, हेयर सीरम के लिए मैं यूज़ करती हूँ अपना DIY हेयर सीरम, जो कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इस DIY सीरम में मैंने क्या ऐड किया है। मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है और उसमें पानी ऐड करके इस स्प्रे बॉटल में डाल दिया है, तो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको लगाना हो आपको बस अपने हेयर पे इन गीले सूखे बालों में अपने पूरे हेयर पे इस तरह से स्प्रे कर लेना है। आप चाहें तो इसे इस सीरम को स्कैल्प में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलोवेरा डला हुआ है तो ये आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा। आपको इसे अपने स्कैल्प से लेके अपने पूरे हेयर स्ट्रैंड्स पे इसे अप्लाई करना है टू द टिप, और बस अब हल्के हाथों से अपने हेयर को इस तरह से अच्छे से मसाज कर लेना है।
होगा कि जो आपके फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। मोर ओवर आपके हेयर इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि बालों की उलझनों को भी आप इजीली कॉम्ब आउट कर सकेंगे। बाल आपके कॉम्ब करने के ड्यूरिंग ना टूटेंगे नहीं, और ये आपके बालों में शाइन भी प्रोवाइड करेगा और आपके बालों को बहुत स्मूथ बना देगा। ये अप्लाई करते करते ये आपको फील होगा कि आपके हेयर सॉफ्ट हो रहे हैं, और कुछ उलझने तो आपके हाथों से बस इस मसाज के ड्यूरिंग ही निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप रहता है मेरा ये सीरम लगाना। दिस इज द बायोटिक बायो माउंटेन एबोनी वाइटलाइजिंग सीरम फॉर फॉलिंग हेयर। दिस इज फॉर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ। जनरली जो सीरम्स होते हैं वो हेयर स्ट्रैंड्स में अप्लाई किए जाते हैं, बट ये वाला जो सीरम है ये आफ्टर वॉशिंग योर हेयर आप स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं, और जहां जहां आपके बाल पैचेस हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। जहां आप न्यू हेयर ग्रोथ देखना चाहते हैं उन एरियाज में इस सीरम को आप अप्लाई करके अच्छे से मसाज करेंगे तो आपको हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा इफेक्ट्स नजर आएंगे। ये सीरम हेयर वॉश करने के बाद स्कैल्प में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई चिपचिपापन नहीं होता है। एज यू कैन सी दिस इज द वॉटरी कंसिस्टेंसी। तो दिस इज वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड नहीं है, तो बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीसी हेयर बिल्कुल नहीं होंगे आपके। जहां आपको लग रहा है कि हेयर थोड़े से कम है, बाल पैचेस हैं, तो वहां पे आप इसे अप्लाई कीजिए और इस तरह से अच्छे से मसाज कीजिए। नियर अराउंड 1 मिनट तक आप इसे मसाज कीजिए। और इसे आप डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल भी ऑयली और चिपचिपापन आपको फील नहीं होगा, और ये बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सी, कोई शाइनिंग ऐसा स्कैल्प में नहीं फील हो रहा है, जैसे ऑयली जैसा जो शाइन होता है वो ऐसा नहीं हो रहा है। और बस जब आपके हेयर अच्छे से ड्राई हो जाएं उसके बाद ही आप कॉम कीजिए। मेक श्योर कि गीले बालों में कभी कॉम मत कीजिए, क्योंकि गीले बालों में कॉम करने से आपके हेयर फॉल बहुत ही इजीली होगा, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा। डायरेक्टली आप ब्रश से कॉम मत कीजिए, इससे अच्छे से कॉम कीजिए, वाइट टीथ वाला कॉम होता है पहले निकल जाए, और इसके बाद आप कोई भी हेयर ब्रश या फिर नैरो टूथ वाली जो कॉम्ब है वो यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उन सबसे रिलेटेड डिटेल्ड रिव्यूज मैंने अपने इस चैनल में अपलोड किए हुए हैं, उन वीडियोज के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, एंड यू कैन थिंक अबाउट परचेजिंग दोज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दोज रिव्यूज। मैं रेगुलर बेसिस पे जो मैं अपना हेयर केयर करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यस फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.